Subscribe the channel guys and press the bell ring icon to get notified for every interesting videos. Hi guys, this is TK back with another video. So guys, aaj second point pe jaane wala hu main Kolhapur ke Panhala fort. Bahut acha fort hai. Dekhenge hum acche se jitna ho sakta hai utne clear aur ek aise aise shots lunga jisse aap logo ko ek alag tarah ki knowledge bhi milegi aur ek entertainment bhi ho jayega. So yeah, chalte. आज थोड़ा सनी वेदर है बट कोल्हापुर के क्लाइमेट की वजह से सनी वेदर में भी स्वेटिंग नहीं होती है, तो ये अच्छी चीज़ है. सो लेट्स गो. हे गाइस, फाइनली रीच टू द पनाला फोर्ट. और बहुत घाट वाला रास्ता था, आड़ा टेढ़ा. सो मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इतना शॉर्ट नहीं कर पाया. सो इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऊपर से बता देता हूँ. पूरा कोल्हापुर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. सो लुक लेते हैं. सो कुछ इस तरह से दिख रहा है. ओके सो गाइस, वो पूरे शॉट जो लिया था मैं, होप आप लोगों को पसंद आया होगा. तो वो पूरा ऊपर से पूरा कोल्हापुर दिखता है वहाँ से. और इतना अच्छा सीनेरियो था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. सो सनी बहुत है, बट आज पनाला आने का था, सोचा कि धूप नहीं रहेगी और आज ही धूप है. इतनी धूप है, बहुत धूप है, बट फिर भी स्वेटिंग नहीं हो रही है. लेकिन बिगर गॉगल के आप लोग चल भी नहीं पाओगे, इतनी धूप है. सो या अभी मेन फोर्ट में आए, पनाला फोर्ट. ये वे पीछे पूरा अंदर जाके बताता हूँ मैं. सो जाते अंदर. एंड हाँ, ये इनोवा में मैं आया, ये कार ये बुक नहीं किया हूँ मैं, मेरे रिलेटिव की कार है. सो लेट्स गो. सो या कोल्हापुर में मुझे एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी, यहाँ पे विदाउट हेलमेट 90% लोग बाइक चलाते हैं. आरटीओ ऑफिसर के सामने से भी बिंदास, यहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है. आप लोग आओगे तो आप लोग देख लें अपने आंखों से कि एक भी जन बाइक पे हेलमेट नहीं पहना होगा. मुंबई में तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि हर 3 किलोमीटर पे चेक पॉइंट होता है, बट कोल्हापुर में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने मेरी बाइक क्यों नहीं लाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मेरी बाइक लेकर आऊँगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से मोटर व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. सो बाइक तो लाऊंगा, यहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे हैं. सो इस वजह से बाइक चलाने तो बहुत मज़ा आएगा, और मेरी तो स्पोर्ट्स बाइक है और मजा आएगी. सो ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी.
ओके सो गाइस यही वो फोर्ट है, होप आप लोगों को सीनेरियो अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा धूप है, मैं सही से देख भी नहीं पा रहा हूँ कैमरे के डिस्प्ले पे, सो होप पूरे सीन्स क्लियर आए होंगे। छाव में जाकर देखना पड़ेगा अच्छे से। तो यही फोर्ट है पन्हाला फोर्ट, सो आप लोग गूगल करके इसकी हिस्ट्री भी जान सकते हैं। पन्हाला फोर्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र लिखोगे, एंड बाय द वे फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, कोल्हापुर महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र का एंड साइड है, महाराष्ट्र आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है। सो ये महाराष्ट्र में हुआ फोर्ट ये वाला भी, तो या ये सिनेरियो है। ओके सो ये फोर्ट के पास फूड स्टॉल्स भी है और कोल्ड ड्रिंक नींबू पानी ये सब के भी स्टॉल्स है। सो अच्छी बात है इतना ऊंचाई पर कुछ खाने पीने मिल जाए। और ये जो शॉट अभी देखे आप लोगों ने, ये फोर्ट के ऊपर से पूरा सीनेरियो लिया हूँ मैंने, देखो तो और ऊपर जाते हैं। सो यार रेंट पे इलेक्ट्रिक बाइक और डर्ट बाइक भी मिलती है, बता दो। तो गाइस अच्छा लगा इलेक्ट्रिक बाइक चला के, बट ज़्यादा स्पीड नहीं थी, पिकअप भी एकदम स्लो था, बट जो भी था अच्छा था। बीइंग ह्यूमन की इलेक्ट्रिक बाइक थी, वो बीइंग ह्यूमन की मुंबई में 1,10,000 के अराउंड वो मिलती है, सेल होती है, तो अच्छा लगा। ओके सो गाइस फोर्ट का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है, ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, छोटा सा ही फोर्ट है। अभी उसके नीचे एक गार्डन है, तबक उद्यान पन्हाला, वो गार्डन दिखते हो, बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ का, फेमस है। सो बना हुआ का डिजाइन बना हुआ है, मस्त है।
सो बहुत अच्छा बना है गार्डन, ग्रीनरी थोड़ी कम है बट ट्रीज बहुत है, ग्रास कम है ट्रीज बहुत है। और मेरा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी नहीं है बट अच्छा है, थोड़ा ऐसा स्लोप में बना हुआ है बिकॉज वो पहाड़ी पे ना पूरा, इस वजह से। सो या थोड़ा और आगे जाते हैं उसके बाद हमारा व्लॉग हम एंड करेंगे। व्हाट एन लवली प्लेस गाइस, रियली। ओके सर, ये जितने भी बर्ड्स है ये सब भी गार्डन में है और पूरे पनाले पन्हारा एरिया में भी है, सो इस वजह से यहाँ पे फोटो भी लगी है नाम के साथ। सो बट मैंने अभी तक देखा ही नहीं। लाइट ही नहीं आ पाती सही से, सो वो लुक देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मुझे कैसा फील हुआ इस एरिया पे आके। सो हमें आना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, बहुत अच्छी जगह होती है ये सब चीज़ें, मीन्स ये सब प्लेसेस। सो बहुत अच्छा भी लगता है एंड मुंबई में, बट मुंबई में दूसरे सिटी के अलावा सिर्फ प्रॉपर्टीज महंगी है, बाकी ट्रांसपोर्ट, फूड प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेसेस सब सस्ता है। बाकी दूसरी सिटी में प्रॉपर्टी सस्ती होती है बट ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती है, तो इसलिए मुंबई मुंबई है। सो ये बात याद रखना। हमारे गार्डन में यही है। सो हमारा पन्हाला का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत मज़ा आया मुझे, एयर कंडीशन जैसी फील आ रही है बिकॉज क्लाइमेट इतना अच्छा है और कितना भी महंगा कैमरा ले लो जस्टिस नहीं कर पाता है जो जो चल रहा है यहाँ पे उस हिसाब से। सो क्या बोलूँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है बट इसका एक टाइम लिमिट है, उस हिसाब से यहाँ पे गेट बंद हो जाता है जहाँ से एंट्री होती है। सो बहुत से जंगली जानवर भी है यहाँ पर इस वजह से। सो घाट वाला रास्ता है पूरा पहाड़ी के ऊपर ही है। सो पन्हाला फोर्ट भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, वहाँ से पूरा कोल्हापुर दिखा दिया जो नीचे का पूरा एरिया था, अभी भी मैं ऊंचाई पर ही खड़ा हूँ। सो ये पूरा गार्डन भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सिंपल सा गार्डन है, ज़्यादा कुछ एडवेंचर नहीं है, ग्रीनरी नहीं है बट बहुत सुकून है और फैमिली टाइप है वो तो ऑब्वियसली होगा ही। सो या एक दो गेस्ट हाउस भी है पन्हाला के थोड़े दूरी पर ही है, सो जो लोग स्टे करना चाहते हैं वो पन्हाला से भी नज़दीक में स्टे कर सकते हैं। क्या ऑसम लुक आ रहा है। सो सनसेट हो चुका है अभी, मैं भी जा रहा हूँ। सो हम हमारा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल रिंग आइकन, सो इसके लिए आप लोगों को आने वाली वीडियो में अपडेट मिलती जाएगी। तो यहाँ से करते हैं।